आज मैं सुबह सुबह जाना निकल पड़ा सीधा शहर की तरफ, क्योंकि मेरे सन की कार्स लगी हुई थी, उसके मैसेज कार लगे हुए थे कि यार कहाँ पे हो, आ जाओ और चलते हैं बाहर। और ठंड भी बहुत थी, ज़्यादा बहुत, इतनी ठंड के हद से भी ज़्यादा। आप हालांकि बैकग्राउंड देख सकते हैं, इतनी ठंड है, मोबाइल में तो शो हो नहीं रही, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि अल्लाह माफ़ करे यार। तो बस मैं बाइक पे निकल पड़ा और बाइक पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्रांड व्लॉग। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? आज भाई हमने जो ना बाहर अचानक सर्दी इतनी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हमने सर्दी में बोला है भाई सर्दी अगर जितनी ज़्यादा पड़ेगी हम इंशाल्लाह सर्दी से फाइट करेंगे। तो मैंने किंग को पहले बोला कि भाई हम जो ना आज हम खुद से जो ना मछली जो है ना फिश बनाएंगे। तो किंग ने बोला कि यार खुद से तो चले नहीं बनेगी, लेकिन बाहर चल रहे हैं। अच्छा बहुत पॉइंट है, बाकी का जो आप माहौल देख सकते हैं माहौल के हिसाब से आपको विजिट भी करवाएंगे। सर्दी इतनी ज्यादा तो बोला भी नहीं जा रहा मुझसे और तो इंशाल्लाह ठंडी ठंडी चल रही है ना, इसलिए आप भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यार चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है हमें। माहौल के साथ माहौल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और हम जो ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। आप जल्दी जाएं। मैं कार में जैसे बैठा तो इनको देखा, ये फ़कीर हैं, फ़कीर लोग जो अक्सर आप देखते होंगे कि जो ना बीच सड़क में ऐसे बस वो एक खुला मैदान देकर बैठ जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार हम अपने रूम में भी सर्दी में कांप रहे होते हैं तो इनका क्या बनता है। यार अल्लाह सबका मालिक है। तो फिश पॉइंट पे हम पहुंच गए। मैंने किंग को बोला कि इनके साथ डील कर लो, आधा किलो बहुत है यार, इतनी क्या खाएंगे किलो। तो बस आधा किलो जो ना इसको इनको हमने बोला कि अच्छे से जो ना फ्राई कर लें। तो इन्होंने कहा सर आप बैठ जाएं तो हम देखे आते हैं। तो फिश बस ही बना रहे। मैंने किंग को बोला कि आ जाओ वहाँ पर बैठते हैं, एक तो ठंड है ऊपर से फिश, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ये आप पॉइंट देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही बेहतरीन और यूनिक व्यू है। अपना पीछे इन्होंने बहुत अच्छा जो सेटअप किया हुआ है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं इनका जो भी सेटअप है, इस बहुत ही प्यारा सेटअप इन्होंने जो किया हुआ है। ये जो दूर तक आप देख रहे हैं बहुत प्यारा सेटअप इनका। ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से इंसान सारा सारा दिन घर बैठ जाता है। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, बाहर हम निकलते नहीं हैं, सारा दिन घर में बैठे होते हैं मोबाइल वगैरह बस साथ में लेके, तो बंदा बोर भी हो जाता है। इसलिए मैंने किंग को बोला कि यार बाहर चलते हैं और फ़िश खाने का भी दिल कर रहा है। किंग ने बोला कि बाहर चलते हैं और फ़िश भी खा लेंगे। तो इनका जो सामने सेटअप है, ये इन्होंने जो ना यहाँ पर फट्टा लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने मतलब अपनी पसंद की जो भी ज़्यादा अगर आप खाना चाहें तो यहाँ से लेकर ख़ुद पकवा लें। बाकी इनकी जो एक बनी हुई होती है किलो से आधा किलो तक, वो जो ना आप अगर ऑर्डर करेंगे तो वो लेके आएंगे। ये जो भाई जो भी ज़्यादा बंदा अगर बनवाए, तो हम किंग के पास चलते हैं, किंग साहब के पास, क्योंकि किंग बैठा हुआ है मुझे देख रहा है दूर से। हाँ फिश फिश फिश। और जानी और कुछ सुनाओ। अच्छा तो इनका सेटअप आप देख सकते हैं पीछे, बहुत प्यारा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। ये पीछे मतलब जितना भी सेटअप है ये सारा फिश पॉइंट सेटअप है। तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं, खास खास स्पेशली इस मौसम पे, ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम पे स्पेशली आते रहते हैं। नहीं सर्दी में तो ज़्यादा आते हैं ना लोग यार, ज़्यादा सर्दी है ना इसलिए जो कम आ रहे हैं। तो ज़्यादा सर्दी में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ना, जहाँ जब सर्दी होती है ना ज़्यादा तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अच्छा अच्छा, जो बाहर घर से बाहर होता है तो वो आता है यार। तो भाई ये फिश जो ना रेडी है इस टाइम। हाँ किंग साहब, सो अभी खाते हैं इंशाल्लाह, फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करो आप। तो फिश हमने जो ना खा लिया फ्रेंडली, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी यार, टेस्ट भी बहुत अच्छा था फिश का। तो अभी किंग यार चाय पिलाओ अभी यार, कहीं आगे वो जो पुनो खां पेट्रोल पंप है वहाँ जल्दी वोटर, अभी चाय पियेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो किंग को मैंने बोला कि यार जो ना अभी स्टार्ट करो, चलते हैं चाय पीते हैं। सो चाय के लिए हमने जो ना फाइनली स्टॉप कर लिया है। तो
सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है इन दिनों में, स्पेशली जो जनवरी का महीना चल रहा है, तो कोशिश करें कि जनवरी के महीने में अपनों का और ख़ुद का और अपनों का ख्याल रखें, फजूल बाहर ना निकलें, काम ना हो तो हमारे तो किस्मत बाहर निकलना लिखा है भाई। तो अगर आप निकल भी रहे हैं तो सेफ्टी के साथ निकलें, अच्छा जैकेट पहने और साथ पे जो ना जैसे गोल टोपी हो जो आपको कवर कर सके, और अगर आपके पास कार है तो बेहतर है क्योंकि हवा से आप बच सकेंगे। तो अभी हम चाय पीने के लिए यहाँ पे स्टॉप हमने किया है, चाय पियेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। चाय पीने के बाद हम इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना होंगे, हम होटल पे जो ना हमने स्टॉप किया है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चाय आएगी, चाय अब जो हम पी के इंशाल्लाह अपने घर की तरफ रवाना होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।